राजस्थान में फैले बर्ड फ्लू को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, दरअसल जिसमें उन्होंने पोल्ट्री फॉर्म में संक्रमित पक्षियों को मारने के निर्देश दे दिए हैं। और इसके अलावा प्रदेश में बर्ड फ्लू से प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें आपको कि इस समय राजस्थान के कई जिले में बर्ड फ्लू की चपेट में ये आ चुका है और अब तक कई पक्षियों की मौत भी हो चुकी है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी, बड़ी खबर है राजस्थान में, ये जिस तरीके से बर्ड फ्लू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसी को लेकर अब गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब इसी दौरान? बिल्कुल, मैं करिश्मा आपको बताना चाहूंगा कि बर्ड फ्लू राजस्थान में बिल्कुल तांडव मचा रहा है, पक्षियों की रोज एक न एक मौत हो रही है और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और सरकार ने अभी तक आंकड़ा जारी नहीं किया है कि अभी तक कितने पक्षी मारे गए हैं, लेकिन गहलोत सरकार ने बिल्कुल, इनके कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने फैसला लिया है कि जो पोल्ट्री फॉर्म में पक्षी संक्रमित है उनको मारने के आदेश दे दिए हैं। और रही दूसरी बात, जहां जो जिले प्रभावित है, जहां पर बर्ड फ्लू फैला है, वहां पर मटन और चिकन और अंडे पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है, वन विभाग और जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। सिंह, अगर इस जिस तरीके से लगातार बर्ड फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है राजस्थान में, और अगर बात करें चिड़ियाघर की, तो चिड़ियाघर के पक्षियों को या जानवरों को कितना अलग रखा जा रहा है? देखिए, जानवरों को बिल्कुल अलग रखा जा रहा है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनके पानी में दवाइयां मिलाकर उनको पिलाई जा रही है, और जो संक्रमित पक्षी है उसको मारने के ऑर्डर दे रखे हैं कि ये संक्रमित है, ठीक नहीं हो पाएगा, दूसरों को भी संक्रमित करेगा, उसको मारने के निर्देश दे रखे हैं। और रही दूसरी बात, जिन क्षेत्रों में, जो भी जिले हैं राजस्थान में, वहाँ पर बर्ड फ्लू फैल रहा है, वहाँ पर 144 की धारा लगा रखी है, बिल्कुल ही आमजन को उस एरिया में नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी के चलते किस तरीके से प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से लोगों को इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है? देखिए, लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि लोगों को अपने कह रखा है, अपने प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि अपने घरों के छतों पर जो टंकियां रहती है पानी की, उसको खुला ना छोड़े, कोई भी संक्रमित पक्षी उसमें पानी पी के जाएगा तो जो वायरस है वो इंसान में ना फैले। और बिल्कुल ही खुले में, उन्होंने बिल्कुल ही कह रखा है कि खुले खाना वगैरह छतों पर ना रखें। और रही दूसरी बात, आपके घर के आसपास में कोई भी मरा हुआ पक्षी आपको दिखाई दे तो बिल्कुल कंट्रोल रूम में सूचना दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बर्ड फ्लू को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने पोल्ट्री फॉर्म में संक्रमित पक्षियों को मारने के निर्देश दे दिए हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा प्रदेश में बर्ड फ्लू से प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है, और इस समय राजस्थान के कई जिले में बर्ड फ्लू की ये चपेट में आ रहा है और अब तक कई पक्षियों की मौत भी हो चुकी है बर्ड फ्लू के चलते। तो चलिए, रुख कर लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान के जालौर में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हो रही है। दरअसल आलवाड़ा अकोली में 29 कौओं की मौत हो चुकी है, और जिसके चलते जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मृत कौओं के सैंपल लिए जा रहे हैं। बता दें आपको कि वन विभाग और पशुपालन पूरी तरह से अलर्ट पर है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।